नमस्कार, मैं आपको इस वीडियो में चिराग पासवान जी के जो भी अभी एपिसोड चल रहा है, मीन्स उनका जो मुद्दा बहुत गर्म है बिहार के पॉलिटिक्स में, कभी कह रहे हैं कोई व्यक्ति या कोई मीडिया वाले कह रहे हैं कि एनडीए छोड़ेंगे या फिर कोई कह रहे हैं तेजस्वी के पास जाएंगे, इसी पे डिस्कस करेंगे कि चिराग पासवान क्या कर सकते हैं और हाजीपुर सीट के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि हाजीपुर उनको बीजेपी जो है दे रही है या नहीं दे रही है। अगर देगी तो फिर जो है ना उसके चाचा जो है पशुपति पारस जी का क्या। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि बीजेपी अभी जो है चिराग पासवान जी को हाजीपुर सीट देने में सक्षम है, और जहाँ तक ऐसा बात चल रही हो गई है कि चिराग पासवान को हाजीपुर सीट बीजेपी दे देगी। अब है कि पशुपति पारस जी जो है उनका क्या होगा, तो बीजेपी अभी कन्विंस कर रही है उसको दूसरे सीट से जगह से जिताने पे, क्योंकि उनका जीतना जो है वो डिपेंड करेगा बीजेपी के टॉप लीडर जो है मोदी जी का जो है काम काज है, अपने भी वो जो है मिनिस्टर थे उस पे डिपेंड करेगा, तो इसलिए उनका भी जीतना जो है मोदी जी के हवा में वो जीत जाएंगे, इसलिए कहीं से भी पशुपति पारस जी जो है खड़ा हो जाए। अब बात आती है कि जैसा कि बताया जा रहा है कि चिराग पासवान एनडीए छोड़ सकते हैं अगर उनको बीजेपी नहीं हाजीपुर सीट देती है तो मैं आपको बता दूं कि अगर चिराग पासवान एनडीए छोड़ते हैं तो वो राजनीति का सबसे बड़ा गलती करेंगे, क्योंकि चिराग पासवान एनडीए में नहीं आए हैं। चिराग पासवान के जो पिताजी थे रामविलास पासवान जी, उन्होंने हाथ चिराग पासवान का उंगली जो है पकड़वाया था मोदी जी से, इसलिए आप जानते हैं मोदी जी और चिराग पासवान में रिलेशनशिप जो है बहुत गहरा रिलेशनशिप, मोदी जी भी अपना बेटा मानते हैं और ये भी अपना जो है पिता के तुल्य मानते हैं। तो इस पोजीशन में चिराग पासवान किसी भी तरह से गलत डिसीजन नहीं लें कि हम जो है बीजेपी से दुश्मनी लें या तो उनसे दूर जाएं और मोदी जी से दूर जाएं, क्योंकि अगर चिराग पासवान मोदी जी से दूर जाएंगे तो पॉलिटिकली दूर भी होगा, और अगर वो अपने बल पर लड़ेंगे तो फिर वोट होगा और जो है वो हार जाएंगे, अगर हार जाएंगे तो कहीं का नहीं रहेंगे। दूसरा, अगर तेजस्वी किसी के साथ अगर जाते हैं चिराग पासवान तो क्या होगा, चिराग पासवान तेजस्वी जी के साथ जगह जाएंगे तो बीजेपी का जो छोड़ने का गलती होगा चिराग पासवान, उससे कहीं ज्यादा लॉस जो है चिराग पासवान को तेजस्वी के साथ हो, क्योंकि तेजस्वी जी का जो है आप अगर 2019 का देख लेंगे कंडीशन, तो एक भी सांसद लोकसभा के लिए आरजेडी से नहीं है, तो उस कंडीशन में चिराग पासवान कैसे रिक्स ले सकते हैं कि तेजस्वी के साथ जाएं और हम उनका सपोर्ट और उनको सब देके हम सांसद बन जाएं। दूसरा चीज है कि तेजस्वी यादव का जो सीट का बंटवारे का फॉर्मूला है उसके साथ और भी गठबंधन है, कांग्रेस है, मुकेश सहनी भी इधर उधर घूम रहे हैं और भी है, उसके साथ भी प्रॉब्लम होगा, और ये प्रॉब्लम होने का जो है तेजस्वी यादव का वो जो है ना लॉस सहना चिराग पासवान जी को भी पड़ सकता है, और अगर वो हार जाएंगे तो इस कंडीशन में भी चिराग पासवान कहीं नहीं रहेंगे। एक तो रिलेशनशिप बीजेपी से टूट जाएगा, दूसरा जो है बीजेपी के साथ जो है टॉप लेवल के नेता जो है अच्छा रिलेशनशिप है, पार्टी से तो टूटेगा, इंडिविजुअली जो मोदी जी के इफेक्ट में भी वो पड़ सकते हैं, मोदी जी का भी उनके ऊपर निगेटिव इफेक्ट जा सकता है, क्योंकि स्वयं है कि कोई व्यक्ति अपना बेटा मानता है, कोई अपना पिता के तुल्य मानता है, उससे अगर दूरियां बना लेते हैं तो आप जो है आपको लॉस होगा, और अगर साथ में रहते हैं तो लॉस तो नहीं होगा, आपको बेनिफिट ही होगा, क्योंकि
अगर चिराग पासवान जी का कंडीशन देखेंगे तो वो जहाँ से अभी जमुई से जीतते हैं वहाँ से वो जीतने की कंडीशन में नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाजीपुर से जीत जाएंगे अपने बल पे, तो ऐसा नहीं है। उनको नरेंद्र मोदी जी का सपोर्ट लेना पड़ेगा। अगर विदाउट नरेंद्र मोदी के सपोर्ट से जो है वो जीत नहीं, आरजेडी का सपोर्ट भी लेंगे तो वो नहीं जीत पाएंगे, या किसी का भी सपोर्ट लेंगे नहीं, विदाउट नरेंद्र मोदी के सपोर्ट से नहीं जीत सकते। तो ऐसा रिस्क जो तेजस्वी चिराग पासवान नहीं ले सकते। इसलिए आपको मैं एक अपने जो है एनालिसिस बताया कि चिराग पासवान ऐसा गलती नहीं करेंगे, और बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि चिराग पासवान हमसे जाए। कुछ तो वोट बैंक है उनका, और वो वोट बैंक के आधार पर चिराग पासवान बीजेपी को मजबूत ही करेंगे। यही कारण से बीजेपी का टॉप लीडर भी नहीं चाह रहा है कि चिराग पासवान को हम साइड करें, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है वो अब छोटी छोटी पार्टी को क्लक कर रही है, अपने साथ मिला रही है वो वोट जो है एक जगह आने के लिए। लेकिन चिराग पासवान को इतना समय से वो रखा और रखे हैं साथ में जो है, तो उसको कैसे जाने जा सकते ना, बाहर जाने दे सकते हैं। तो इस पोजीशन को आप देखते हैं तो यहाँ पे भ्रम होने की दूरियाँ नहीं, आदमी समय नहीं है भ्रमित होने की समय नहीं। अगर आप उसका फॉलोअर है यहाँ पे मजबूत होने की समय है। हाँ, ये जो है चिराग पासवान का सीट का समय अभी इलेक्शन का वो समय आएगा, अभी 10 मार्च को डेट निकलेगा, उसके बाद भी बात जो है बातचीत चल रही है। मीटिंग आज जो है बिहार के लोकसभा सीट के लिए भी बीजेपी अपनी जगह पे कर रही है, तो ये सब बातें चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है भ्रमित होने का कि चिराग पासवान बीजेपी या NDA छोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही।